गाइस बेसिकली पूरा मंदिर घूमने के बाद अभी मैं काफ़ी पीसफुल फील कर रहा हूँ। और गाइस इस मंदिर को आप देख सकते हो कितना विशाल का है, कितना खूबसूरत मंदिर। और ये फेमस इसलिए है क्योंकि दोस्तों इसका आर्किटेक्चर काफ़ी फेमस है पूरी दुनिया में। इवन भारत में आपको कुछ ही टेम्पल मिलेंगे, और जो सबसे बड़ा टेम्पल माना जाता है वो दिल्ली में है, जो दोस्तों आपने अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन भी सुना होगा। और जस्ट वहाँ से आप उतर के डायरेक्टली दिल्ली में भी जा सकते हैं। और अक्षरधाम यहाँ का जो है वो रियली बहुत फेमस है जयपुर में। तो होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आ रहा होगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लग रहा है। स्पेशल टूरिस्ट प्लेस जिसका नाम है अक्षरधाम। दोस्तों इसके पहले हम लोगों ने जो आपको बिरला टेम्पल का दिखाया था ब्लॉग, वो दोस्तों काफ़ी अच्छा ब्लॉग रहा, काफ़ी लोगों ने देखा। और गाइस आज का जो ब्लॉग है वो अक्षरधाम का है, और अक्षरधाम का दोस्तों काफ़ी सरप्राइजिंग मेरे लिए था क्योंकि अक्षरधाम जो मैंने सुना था वो दिल्ली में सुना था, बट कल मैं काफ़ी सरप्राइज हुआ कि जयपुर में भी अक्षरधाम है। तो आज की वीडियो में एक्सप्लोर करने वाले हैं अक्षरधाम को, तो बने रहिए मेरे साथ। एक बात बताओ सर, आपको मतलब यहाँ पे पता था कि अक्षरधाम है अभी तक? नहीं सर, मुझे तो नहीं पता था अभी तक, आपके मुंह से मैंने सुना। अच्छा, तो दिल्ली वाले के बारे में तो सुना ही होगा? उसके बारे में भी मैंने नहीं सुना। दिल्ली के वाले में नहीं सुना है? एक्चुअली में दिल्ली में जो है ना वो भी मतलब आप देखोगे जैसे लंका हुआ करता था, उतना बड़ा है। और मतलब वहाँ पे जाओगे तो अक्षरधाम नाम का एक मेट्रो स्टेशन भी है। सर मैं कहीं घुमा नहीं हूँ ना, दिल्ली एक ही बार गया हूँ। ओके, तो अभी हम लोगों को निकल रहे हैं त्रिवेणी नगर से। और गाइस ये जो पड़ता है आपका अक्षरधाम मंदिर, वो पड़ता है वैशाली में। तो अभी भैया कितना टाइम लगेगा हम लोगों को पहुंचने में? एक मिनट में पहुंचने वाले हैं। एक सही है, बहुत जल्दी हम लोग आ गए वैसे यहाँ पे। चलो भैया बाय बाय, कुछ भूल तो नहीं रहे? हाँ जी, मैं आ चुका हूँ अक्षरधाम जयपुर, ये मेरे पीछे देख सकते हैं। और गाइस पहली बार मैं कैमरे पर ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, इट्स रियली वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी क्योंकि अभी मैंने पूरी तरह से मैंने सीखा नहीं है। टाइम लैप्स हाइपर लैप्स वगैरह के लिए मुझे फ़ोन यूज़ करना पड़ रहा है। बट गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं, तो होप यू आर इन्जॉइंग द ब्लॉग। और गाइस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों पूरी तरह से पूरे ब्लॉग को देखते रहिए। और गाइस अभी तक आपने मेरे अदर प्लेलिस्ट को विजिट नहीं किया, सो प्लीज़ गो एंड चेक आउट। और गाइस क्वालिटी के बारे में ज़रूर बताना आप, आपको क्वालिटी कैसी लग रही है? अभी ये खुलता है कहीं कहीं तो। सो गाइस बेसिकली हम लोग सामने खड़े हैं मंदिर के, और अभी हम लोग आ चुके हैं 4 बजे के पहले, बट मंदिर जो है दोस्तों खुलता है 4 बजे के बाद, और मॉर्निंग में भी 10-11 बजे तक खुला रहता है। तो शाम को भी जब भी आप आते हो तो इवनिंग और मॉर्निंग बेस्ट टाइम माना जाता है यहाँ के लिए, तो आपको आना चाहिए शाम को 4 बजे के बाद। यहाँ पे आपको सारी टाइमिंग की डिटेल्स मिल जाएगी, यहाँ देखो विजिटिंग इन्फॉर्मेशन। मॉर्निंग में 7:15 to 12 नून, 4 बजे से 9 बजे तक, मतलब 4 PM से लेके रात 9 बजे तक मंगला आरती श्रीनगर
आरती, राजभोग, संध्या, ज्ञान आरती सारा कुछ टाइमिंग है आपको मिल जा रहा है। तो गाइस अभी हम लोग वेट कर रहे हैं मंदिर के खुलने का, और मंदिर अभी 4 बजे तक खुलने वाला है, और मैं अभी परेशान हूँ, कैमरा मुझे अभी सही से यूज़ नहीं करने आ रहा है, तो जस्ट बार बार फ्लिप करना है मेरे लिए थोड़ा सा हैक्टिक हो रहा है, बट गाइस जल्दी ही मेरी आदत बन जाएगी इसको भी चलाने का। क्वालिटी तो मुझे भी अच्छी लग रही है, सब कुछ सीख रहा है। या यार अभी मेरे को फ्लिप करना पड़ रहा है बार बार, फिर काफ़ी कुछ मतलब समझ में नहीं। थैंक यू सो मच बॉडी। अरे सब सब दे दो। ये चारों के तो आएंगे नहीं, बट यार एक खिलाओ ले जाना पड़ेगा आपको, सब इसी में आ जाएगा। सुमित का कैसा आएगा? यहाँ पर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है ना। सो एवरीवन फाइनली हम लोगों की एंट्री हो चुकी है, अभी 4 बज चुका है और गेट भी खुल गया है, तो अभी हम लोग आ चुके हैं अंदर। और गाइस ये जो मंदिर है अपने आर्किटेक्चर और यहाँ की ग्रास कटिंग के लिए काफ़ी फेमस है, तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। सो बेसिकली गाइस हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, और सबसे अच्छी बात जो है अक्षरधाम की, आप यहाँ की ग्रास कटिंग देख लो। बेसिकली ये ग्रास कटिंग जो है यहाँ की काफ़ी पॉपुलर है और लोगों को बहुत पसंद आती है। और अक्षरधाम दोस्तों जो दिल्ली में फेमस है, दिल्ली का मतलब सबसे ज़्यादा फेमस है, ऑब्वियसली फेमस तो सारा कुछ है। Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my गाइस। अभी अंदर हम लोग मंदिर के अंदर भी आ चुके हैं, और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का जो आर्किटेक्चर है, जो यहाँ का बनावट है, क्योंकि दोस्तों जो हमारा अक्षरधाम है वो बेसिकली अपने आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है कि कितनी खूबसूरती से इसको बनाया गया रहता है। और गाइस ये देखो कितनी खूबसूरती से इसका डिज़ाइन है, जो अक्षरधाम का या अक्षरधाम का जो बेसिकली डिज़ाइन है दीवारों का, इनकी खूबसूरती मतलब कमाल। चलो आगे की गाइस यहाँ पे दीवालों पे आप देखो आकृतियाँ बनी हुई हैं। सो गाइस अभी हम लोग चक्कर लगा रहे हैं मंदिर का राउंडिंग, और चारों तरफ आप देख रहे हो क्या खूबसूरत डिजाइन है दीवालों पे, और उसके साथ दोस्तों यहाँ पे देखिए पूरी तरह से आइडल्स बने हुए हैं। ऊपर बात करें अक्षरधाम मंदिर के बारे में, तो इंडिया में ऑलमोस्ट 10 मंदिर हैं अक्षरधाम के, और गाइस इंडिया में ही नहीं बल्कि आपको फॉरेन में भी जाओगे तो सिडनी, ऑस्ट्रेलिया, ऐसी कई फॉरेन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपको अक्षरधाम मंदिर मिल जाएगा। और दोस्तों अक्षरधाम एक पुरुषोत्तम करके एक महान व्यक्ति हुए हैं, उनका नाम भी कुछ ऐसा ही था, उनकी संस्था के थ्रू ये बनवाया जाता है मंदिर पूरे देश दुनिया में। और ये सबसे खास बात होती है अपने भारत देश की कि गाइस यहाँ के मंदिर देश विदेशों में आपको मिल जाते हैं, यहाँ के लोगों ने देश विदेशों में और अपने देश में तो बनाए ही बनाए हैं, देश विदेशों में भी यहाँ के मंदिर बनाए हैं।
यहाँ का डिज़ाइन देखो, सेंटर का डिज़ाइन। जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो टेंपल में, और गाइस इतना खूबसूरती से इसको बनाया गया रहता है। क्या है ना डांस मसाला। सो बेसिकली गाइस मैंने दर्शन कर लिया और इट्स रियली वेरी ऑसम फीलिंग, रिलैक्स, पीसफुल। नो थैंक यू सो मच मेरा साथ देने के लिए, इन्होंने भी काफ़ी मदद करी वीडियो बनाने में। गाइस कैमरा नया है तो जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सीखने में टाइम लगेगा। और गाइस आई एम श्योर कि जो लोग जयपुर के भी होंगे या जयपुर के होंगे तो उनको तो पता होगा, बट जो लोग बाहर से रहते हैं गाइस उनको ज़्यादातर लोगों को नहीं पता था। क्योंकि जैसे सतेंद्र जी को देख लीजिए, आप कितने टाइम से रहते हैं सर यहाँ? डेढ़ साल। सर डेढ़ साल से रहते हैं और सर को खुद भी नहीं पता था कि आपका अक्षरधाम टेंपल है। जॉब से फुर्सत ही नहीं मिलती, संडे को फुर्सत मिलती, पूरा दिन रूम पे निकल जाता है घूमने के लिए। और गाइस जो दिल्ली से आए रहते हैं उनको बेसिकली पता रहता है कि मतलब अक्षरधाम नाम की टेंपल होती है, तो लोग एक्साइटेड होते हैं सुनने के बाद। और यहाँ के लोगों को वो पता नहीं है, ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता रहता है कि अक्षरधाम का टेंपल कितना बड़ा है। और जो भी नोएडा दिल्ली में रहा है तो उसे बिल्कुल आइडिया रहता है, तो इसके बारे में सुनता है, तो यहाँ के बारे में इसके महत्व को समझता है कि यहाँ पे जाना है। और यहाँ पे एंट्री भी है, यहाँ पे कैमरा भी अलाउ है, और जो दिल्ली का है वहाँ पे अलाउ नहीं है। थैंक यू भाई। अंकल कब तक मंदिर खुला रहता है? 9 बजे तक खुला रहता है। और मॉर्निंग में कितने बजे खुलता है? 5 से 12 बजे तक खुलता है। चलिए थैंक यू सो मच बात करने के लिए हमसे, बाय बाय। गाइस अंकल से बात करके काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ही अच्छे आदमी है, काफ़ी कुछ बताया है हमारे बारे में और दिलचस्प बात है। क्या हुआ? ये को हाथ नहीं लगा है, लात से ऐसे ऐसे करके नीचे सरका दिया। मतलब इसमें इनको अछूत फील हो रहा था, मतलब खुद के जूते से अजीब लोग हैं। यहाँ पे नहीं देख रहे हैं लोग, सेवा भाव से यहाँ पे सारा काम कर रहे हैं। अब वही नए जूते होते तो होता है ना दुकान में, हाँ नए हाथ में लिए, कितना बढ़िया जूते। यहाँ पे बहुत मुझे इंटरेस्टिंग चीज मिली, देखिए जहाँ जहाँ भी स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर है, न्यू दिल्ली, गांधीनगर, न्यू जर्सी, फॉरेन में, लॉस एंजलिस में भी है, नैरोबी में भी है, टोरंटो, लंदन में भी है। और इधर बैप्स मंदिर, अच्छा ये है जो है मंदिर, अच्छा और ये छोटे हैं, अच्छा ये जो जितने भी छोटे हैं और ये जो है वो सबसे बड़े हैं। और उधर वो सब इंडिया, वो इंडिया वाले, ये सारे अच्छा इंडिया में है जो सबसे बड़े हैं। इसमें जयपुर भी है ना? जयपुर आ गया ना, हाँ ठीक है ठीक है। और गाइस ये है नज़ारा इवनिंग का, खूबसूरत नज़ारा गाइस, इसीलिए हम लोग रुके हुए थे इस टाइम तक ताकि हम लोग आपको ये नज़ारा दिखा पाएं, इवनिंग का नज़ारा दिखा पाएं। और सॉन्ग इतना खूबसूरत चल रहा है, मतलब आराम से बैठ के सुनते रहो, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। गाइस ये रीजन है इसलिए लोग बोलते हैं शाम को आने के लिए, पूरी तरह से मंदिर जो है जगमगा गया है नाइट में। सो गाइस मेरा भी कैमरा स्विच ऑफ हो गया है और रियली मतलब जितना मैं एंजॉय करता हूँ अपने फोन में वीडियो बनाने पे, मुझे अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है उसमें। गाइस मतलब क्वालिटी तो अच्छी है बट थोड़ी सी मुझे अभी अटपट लग रहा है। और अभी तक हम लोगों ने अक्षरधाम को घूम लिया है, आप जहाँ भी जाइए अक्षरधाम, जहाँ भी मंदिर हो वहाँ पे जरूर एक्सप्लोर कीजिए। और ये गाइस
एक्सप्लोर कर चुके हैं अक्षरधाम को, तो कैसे लगा दोस्तों आपको? कूल आपको? कूल सबको कूल। तो गाइस आप जरूर आइए और कमेंट करके हमें बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और जाके प्लेलिस्ट भी चेकआउट कीजिए। अभी तक आपने इंस्टाग्राम पे भी मुझसे कनेक्ट नहीं किया तो कनेक्ट कीजिए, वहाँ पे आपको काफ़ी अपडेट्स देखने को मिल जाते हैं।